जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एसकेटी फैंटेसी चैनल में। आज हम बात करने वाला एके शिवा से एसआरएम का वेलम युवा कबड्डी तमिलनाडु का 111 मैच के बारे में, डेट एंड टाइम के बारे में बात कर रही जाए तो ये जून 2 को 10:15 को मैच स्टार्ट होगा, मतलब आज सुबह को 10:15 में मैच स्टार्ट होगा। वेन्यू के बारे में बात करें, वेलम बोधी कैंपस मुरारी चेन्नई में खेला जाएगा। और दोनों टीम का पॉइंट टेबल्स के बारे में बात करें तो अब तक एकेसी ने अब तक टोटल 13 मैचेस खेले, उसमें 5 मैचेस विन किए हैं और 8 मैच लॉस हुए, एक बार भी ड्रा नहीं हुआ और पोजीशन में 6th पोजीशन में है। और एसआरएम का देखें तो एसआरएम का भी अब तक देखा तो 13 मैचेस ही विन किए हैं, 5 मैच लॉस हुए और 8 मैच इन्हें भी सेम एक ही तरह है और एक भी ड्रा नहीं किया, 5th पोजीशन में। मैंने दोनों टीम का आपको मैं पॉइंट टेबल भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ और मैं आपको एक ऐप का नाम बताऊंगा, सिर्फ 100% मनी इजीली से अर्न कर लेंगे, MyMaster11। अब MyMaster11 में 100% मनी इजीली से अर्न कर सकते हैं। इस ऐप में आपको डेली 1-2 फ्री एंट्री भी मिलेंगे और इस ऐप में आप ट्रेडिंग और ओपनिंग भी कर सकते हैं। आप 100% मनी इजीली से अर्न करेंगे क्योंकि इसमें लो कॉम्पिटिशन होता है। और इस ऐप का लिंक के बारे में बात कर दें, इस ऐप का लिंक टेलीग्राम चैनल में आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया, जाकर डाउनलोड कर लीजिए, आप 100% मनी इजीली से अर्न कर लेंगे। इस ऐप का लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर, जाकर डाउनलोड कर लीजिए, 100% मनी इजीली से अर्न कर लेंगे। अब मैं आपको दोनों टीम का एकेसी वर्सेस एसआरएम टीम का प्लेइंग 7 का साथ साथ हर प्लेयर का आपको मैं स्टैट्स एक्सप्लेन करूंगा। पहले एकेसी टीम के लिए देखा जाए तो एकेसी टीम के लिए प्लेइंग 7 में देखा जाए तो इनका टीम में AMB मुर्गन आएंगे। इनका लास्ट 3 मैचेस, इनका स्टैट्स के बारे में बात करा जाए तो मुर्गन का लास्ट 3 मैचेस में देखा है तो लास्ट मैच 2 टैकल किया, लास्ट 3 में देखा है तो 0 और एक मैच में 2 विकेट किए हैं। लास्ट 3 मैचेस में मुर्गन का देखा तो टोटल 4 टैकल पॉइंट है। इनका एवरेज देखा तो हर मैच में 2-2 जा रहा है, भले एक मैच में फ्लॉप है लेकिन मुर्गन एक इंपॉर्टेंट डिफेंडर है। और इन मानकान के बारे में बात करें तो मानकान का लास्ट 3 मैचेस में एक मैच इनको एक लास्ट मैच में प्लेइंग 11 में नहीं थे, सिटिंग में थे और एक मैच 0 टैकल, एक मैच में 2 टैकल किए हैं। लास्ट 3 मैचेस में देखे 2 मैच खेले हैं उसमें 2 ही टैकल किए हैं। और हम कुनन के बारे में बात करें, कुनन का लास्ट 3 मैचेस में देखा जाए तो लास्ट 3 मैचेस में देखा है तो लास्ट मैच में 3 टैकल और एक मैच में 7 और एक मैच में 1, लास्ट 3 मैचेस में देखा जाए तो इनका टोटल 11 टैकल पॉइंट्स है। आप इनको 100% पिक कर लें। इनका एवरेज हर मैच में देखा जाए तो 3-4 का एवरेज हर मैच में जा रहा है। कुनन को आप 100% पिक कर लेना अपना टीम में। कुनन को आप कप्तान वर्स कटा में भी चूज़ कर लें, उनको मैं एक स्टार मार्क दे रहा हूँ, उनको आप 100% कप्तान वर्स कटा में आप चूज़ कर सकते हैं। और के कुमार सिंह के बारे में बात करें तो के कुमार सिंह का लास्ट मैच में 4 टैकल पॉइंट लिए थे और लास्ट 3 मैचेस में 2 टैकल, 1 राइट और एक मैच में प्लेइंग 7 में नहीं थे। इनका भी देखा है तो कुनन का लास्ट 3 मैचेस में देखा जाए तो इनका 6 का टैकल है, लास्ट 3 मैच में एक मैच में नहीं खेले थे। इनका एवरेज देखा है तो हर मैच इनका 3 टैकल पॉइंट जा रहे हैं। इनको आप 100% भी अपना टीम में पिक कर सकते हैं। ऐसे SBI फ्रांसी के बारे में बात करते हो, लास्ट 3 मैच इनका स्टार्स के बारे में बात करते हो, लास्ट मैच में 4 राइट लेते हैं, एक बोनस और एक टैकल। इनका देखे तो इनका लास्ट मैच में 6 पॉइंट टोटल लेते, उनका साथ से 4 राइट, एक बोनस, एक टैकल, कमाल का प्रदर्शन दिए थे। और इनका लास्ट 3 मैचेस में देखा था, एक लास्ट 3 मैच में 1 राइट पॉइंट और एक मैच में 1 राइट पॉइंट, एक टैकल, एक बोनस। लास्ट 3 मैचेस में देखा जाए तो इनका एवरेज प्रदर्शन जा रहा है फ्रेंड्स को। और दसकरण के बारे में बात करते हैं, दसकरण एक टीम का इंपॉर्टेंट राइडर है, भले ही लास्ट 3 मैचेस में देखा जाए तो एक मैच में सिटिंग थे, लास्ट मैच में सिटिंग और मैच में राइट पॉइंट और एक मैच में 9 राइट पॉइंट लेते, 2 बोनस। ना लास्ट 3 मैचेस में देखा है तो एक इनका सुपर 10 है और एक मैच में नॉट प्लेइंग 7 में थे और एक मैच में पूरी तरह फ्लॉप हुए थे, एक ही राइट पॉइंट लिए थे। लेकिन दसकरण को आप 100% चूज़ कर सकते हैं कप्तान उस कप्तान को, कमाल का प्लेयर है दसकरण को 100% ईजिली से कप्तान उस कप्तान में आप चूज़ कर सकते हैं। और एम जय कुमार के बारे में बात करें, जय कुमार का लास्ट 3 मैचेस में स्टार्ट देखा है तो लास्ट मैच में 6 राइट पॉइंट और 3 बोनस लिए थे, टोटल 9 पॉइंट लिए थे लास्ट मैच में। और इनका लास्ट 3 मैचेस स्टार्ट देखे तो 12 राइट पॉइंट, 2 बोनस और एक मैच में 0 पॉइंट्स। लास्ट 3 मैचेस में देखा जाए तो इनका लगभग 2 सुपर 10 लगा दी, इजीली से लगा रहे हैं। इनका एवरेज देखा जाए तो इनका हर मैच में 10 राइट पॉइंट इजीली से जा रहे हैं। हम जय कुमार को भी 100% इजीली से पिक कर सकते हैं। मैं आपको
एक ही सी टीम का प्लेइंग सेवन का साथ साथ हर प्लेयर का आपको मैं स्टैट्स एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब SRM टीम का देखा था, SRM टीम का देखा, विक्रम शिवा के बारे में बात किए थे। लास्ट 3 मैच में उनका स्टार्ट्स के बारे में बात किए थे, 7 टैकल्स के हैं, एक मैच में 0, एक मैच में 4 टैकल। इनका भी देखा था एवरेज हर मैच में 5 टैकल जा रहे हैं, और इनका लास्ट 3 मैचेस में देखा था 11 टैकल्स हैं। इनको अभी आप 100% पिक कर लेना, और विक्रम शिवा को आप कप्तान उसकप्तान भी चूज कर सकते हैं, कमाल का प्लेयर है। और इस पराग दास के बारे में बात करते हैं, लास्ट 3 मैचेस में 1 मैच में टैकल, 1 टैकल, 0 टैकल और 4 टैकल। पराग दास का लास्ट 3 मैचेस में देखा जाए टोटल 5 टैकल पॉइंट मिला। पराग दास भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनको भी आप चूज कर सकते हैं। और इन टंगवाल के बारे में बात करें, टंगवाल का लास्ट 3 मैचेस में देखा तो लास्ट मैच इनका स्टैट्स के बारे में बात, 3 टैकल और 2 राइट पॉइंट लिए, लास्ट मैच टोटल इनका 5 पॉइंट्स थे। और लास्ट 3 मैचेस में देखा तो 1 मैच में 1 टैकल और 1 मैच में प्लेइंग 7 में नहीं थे। लास्ट 3 मैचेस में देखा तो टंगवाल को 2 ही मैच खेले, उसमें 4 टैकल किए हैं, इनका एवरेज 2 का जाता है। उनका साथ साथ राइडिंग पॉइंट भी लिए हैं, 2 राइडिंग पॉइंट भी लिए हैं टंगवाल। टंगवाल भी एक इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर की तरह खेलता है। और PS प्रसाद के बारे में बात करें जाए तो लास्ट 3 मैचेस में देखे तो लास्ट मैच भी प्लेइंग 7 में थे, बाकी मैचेस में सब मैच में सिटिंग थे। जिस मैच में डेब्यू किए थे उसी मैच में 2 टैकल पॉइंट अपना कर लिए थे। ये भी कमाल का डिफेंडर है, इनको भी आप चूज कर सकते हैं, लेकिन इनको लास्ट मैच में डेब्यू था, इनको आप ट्राई भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर इनको ट्राई करना चाहते हैं तो अगर आप 6 से 10 ग्रैंड लीग टीम खेलते हैं PA, तब प्रसाद को आप कप्तान उसकप्तान में चूज कर सकते हैं। और एस राजेंद्रा की अगर हम बात करते हैं, उनका 100% एवर्ड कर सकते हैं। लास्ट 3 मैचेस में देखा तो 1 मैच में 1 राइट पॉइंट, 1 मैच में 0, 1 मैच में 4 राइट पॉइंट। इनका इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं जा रहा है लास्ट 3 मैचेस में, इनको आप अवॉइड कर सकते हैं। और कुंडी साम के बारे में बात करें तो इनको आप 100% पिक कर लेना है, कमाल का राइडर है। कुंडी साम का लास्ट 3 मैचेस में देखा तो लास्ट मैच इनका प्रदर्शन था 6 राइट पॉइंट, 3 बोनस और 2 टैकल, लास्ट मैच में कमाल का प्रदर्शन दिए थे। इनको आप 100% पिक कर लेना। और लास्ट 3 मैचेस में देखा जाए तो लास्ट 3 मैच एक भी मैच बोनस और एक मैच फिर से बोनस, एक ही एक बोनस लें। लास्ट 3 मैचेस में देखा जाए तो 2 मैच में फ्लॉप है, और लास्ट मैच में कमाल का प्रदर्शन दिए थे कुंडे ने, कुंडी सैम को। अब कुंडी सैम को भी कप्तान उसकप्तान में चूज कर सकते, भले ही लास्ट 3 मैच 2 मैच फ्लॉप है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट राइडर है। और अश्विन के बारे में बात करें तो अश्विन का लास्ट 3 मैचेस में, लास्ट मैच में उनके स्टैट्स के बारे में बात करते हैं, 5 राइट पॉइंट प्लस 1 बोनस, और एक मैच में 3 राइट पॉइंट, और एक मैच में प्लेइंग 7 में नहीं थे। लास्ट 3 मैचेस में देखा जाए इनका एवरेज राइट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, हर मैच में इनका 4 का राइट पॉइंट जा रहा है हर मैच में अश्विन का। अश्विन भी एवरेज ठीक ठाक है, इनको भी आप चूज कर सकते हैं। अगर इनको कप्तान उसकप्तान ट्राई करना चाहते हैं, सेम अगर 6 से 10 ग्रैंड लीग टीम खेलते हैं तो इनको एक दो टीम में कप्तान उसकप्तान चूज कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों टीम का प्लेइंग 7 का साथ साथ हर प्लेयर का स्टैट्स आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब दोनों टीम का हेड टू हेड के बारे में बात करें तो अब तक AKC वर्सेस SRM का अब तक एक बार भी आमना सामना, एक भी मुकाबला अब तक नहीं हुआ है। और दोनों टीम का टीम फॉर्म के बारे में बात करें तो AKC ने लास्ट 5 मैचेस में 2 मैचेस विन किए और 3 मैच लॉस हुए, और SRM का लास्ट 5 मैचेस में 2 मैचेस विन किए और 3 मैच लॉस हुए। मैंने दोनों टीम का आपको टीम फॉर्म भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया। और दोनों टीम का की प्लेयर्स के बारे में बात करें तो AKC टीम के लिए है मानकान ए और AMBG मुर्गन और एम कुन्नन और 10 करण। पूरा मैं आपको 4 प्लेयर का नाम बताएं, चारों प्लेयर AKC टीम के लिए की प्लेयर्स है। और SRM टीम के लिए देखा जाए तो विक्रम शिवा और प्रसाद और डी कोंडिसाम और राजेंद्रा, ये चारों प्लेयर SRM टीम के लिए की प्लेयर्स है। मैंने दोनों टीम को की प्लेयर्स का नाम भी बता दियो। आप कप्तान उसकप्तान में किस प्लेयर को चूज कर सकते हैं, कप्तान उसकप्तान में देखा तो विक्रम शिवा को और एस प्रसाद को और डी कोंडिसाम को, मानकान को, AMBमुर्गन को और एम कुन्नन को। पूरा मैं आपको 6 प्लेयर का नाम बताया, 6 प्लेयर को आप कप्तान उसकप्तान में चूज कर सकते हैं। और फाइनल टीम के बारे में बात की तो जाए तो आपको मैं फाइनल टीम लाइव में बनाकर दिखाऊंगा, उससे पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर बाय मिस्टेक डिस्क्रिप्शन से मेरे टेलीग्राम चैनल सुनी होता तो आप टेलीग्राम में जाके @SKTFantasy सर्च करते ही मेरा टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। चलिए मैं आपको फाइनल टीम लाइव में बनाकर दिखाता हूँ। AKC वर्सेस SRM का फाइनल टीम में आपको स्वागत है।
मैं आपको हर प्लेयर का स्टैट्स भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको बेस्ट डिफेंडर, बेस्ट ऑलराउंडर और बेस्ट राइडर आपको मैं पिक करके दूंगा। आप 100% मनी इजीली से अर्न कर लेंगे। पहले डिफेंडर्स में देखा जाते हैं, बहुत सारा डिफेंडर्स है, लेकिन मैं आपको बेस्ट डिफेंडर्स को पिक करके दूंगा। आपको मैं विक्रम शिवा को पिक करके दूँगा और एम कुन्नन, ये दोनों प्लेयर्स डिफेंडर्स में कमाल का डिफेंडर्स है। अभी फिलहाल के हम लोग दो डिफेंडर्स को पिक किए हैं, दोनों डिफेंडर्स बेस्ट डिफेंडर्स है। और ऑलराउंडर्स में देखा जाता है, बहुत सारे ऑलराउंडर्स, कुंडे साम को 100% पिक कर लो और एम जय कुमार पूरा। हम लोग टोटल दो ऑलराउंडर को पिक किया, ये दोनों ऑलराउंडर बेस्ट ऑलराउंडर्स हैं। आप ये दोनों ऑलराउंडर्स को 100% पिक कर लेना। और राइडर्स में देखा जाए तो अगर दस करण खेलते हैं तो आप 100% पिक कर लेना। फिलहाल के लिए भी हमें 10 करण को पिक कर लेते हैं और एस राजेंद्रा को। और देखा जाता है राइडर्स में, दो ही राइडर्स को हम लोग पिक कर लेते हैं। फिर से हम डिफेंडर्स में जाते हैं। डिफेंडर्स में देखा जाता है, बहुत सारे डिफेंडर्स हैं। एस पराग दास भी कमाल का राइट डिफेंडर, इनको भी हम पिक कर सकते हैं। टोटल अब तक देखा जाए तो हम लोग 3 डिफेंडर्स को पिक कर लिए हैं, दो ऑलराउंडर्स को 2 राइडर्स को। अब कप्टन के बारे में बात करी जाए तो हम लोग कप्टन पिक कर लेते हैं कुंडी शाम को। और वाइस कप्टन के बारे में बात करते हैं, कुन्नन को भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं। अगर 10 करण खेलते हैं तो उनको भी आप कप्टन कप्टन में चूज कर सकते हैं। मैं आपको टीम का भी सेव करके रखता हूँ, टीम को मैंने भी सेव करके रख लिया। फिर मेरी टीम को देख लीजिए, मैंने डिफेंडर्स में अब तक 3 डिफेंडर्स को पिक किया, विक्रम शिवा को, एम कुन्नन को और एस प्रसाद को। और ऑलराउंडर में 2 ऑलराउंडर कुंडी श्याम को, जय कुमार को। राइडर्स में 2 राइडर्स को पिक किया, राजेंद्रा को और 10 करण को। मैंने कप्टन में बनाया कुंडी श्याम को और वाइस कैप्टन में एम कुन्नन को। मैं आपको कप्टन और कैप्टन का नाम भी बता दिया और फाइनल टीम आपको मैं लाइव में भी बनाकर दिखा दिया। और एक बात मैं आपको बोलने वाला हूँ, लाइनअप अनाउंस होने के बाद आपको मैं 15 से 20 मिनट पहले आपको फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करूँगा। इसीलिए मेरा टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर बाई मिस्टेक डिस्क्रिप्शन से मेरे टेलीग्राम चैनल शो नहीं होता तो टेलीग्राम में जाके @SKTFantasy सर्च करते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, कमेंट, शेयर और लाल वाला घंटी को जरूर दबाना। थैंक यू। जय हिंद।